हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश वर्मा राज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे देख रहे हैं कि अभी फिलहाल मैं काशी आ चुका हूं और बोर्ड में बैठा हूं। मैं जब भी आता हूं इसी तरीके से बोर्ड हम लेते हैं और यहां पे हम चलना चालू करते हैं। अभी उस पार जाएंगे साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए। चालू हो गया है, आवाज कम आएगा, ध्यान रखना। देखो देखते जाए ना जा। कार्तिक महीना आई था ठंडा, लेकिन कितनो नहीं बा पसीना तो के चुप कर लेना अपना। रानी का महल यही है, इंदौर की महाराज। जितने राजे महाराजे आते थे कौन से काशी में सो अपना स्थान बनाया। जितनी शांति जो मुसलमान को काशी में है किसी दुनिया में नहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। क्योंकि सीता जो था उस पर लिखा हुआ है ये होटल खुल गया है। रहते
रहते थे। कलकत्ता के जो बंगाली एकदम ओल्ड हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो काशी में छोड़ के चले जाते थे। वो बोलते आप मर जाएंगे तो आपको मोक्ष वाहनी मुक्ति मिल जाएगा। अब वो सर इसका कोई है नहीं, सब खाली कहानी बन गया है। कोई रहता नहीं सर, अब कौन रहेगा, सब अच्छे अच्छे पैसे वाले हो गए बंगाली में। ये देखिए भूत बंगला है, बोलते भूत बंगला पहले। हाँ अब सब आदमी आ गए, भूत भाग गया सबसे बड़ा आदमी तो भूत है। सब संपत्ति दान कर दिए तो एक से उसका बेटा मर गया तो तारामती हित लिख रही थी। राजा ने बोला भाई बेटा को जलाने चले वो विश्वामित्र भगवान प्रकट हुए। बोले हरिचंद महाराज तुम्हारे ऐसा दानी सत्य बोलने वाला पूरे दुनिया में नहीं है, बोलो आपको क्या चाहिए। तो राजा हरिचंद ने तीन बात कहा, जैसे परीक्षा हमसे लिया और किसी इंसान से मत लीजिएगा, और आपको हमारा बच्चा को जिंदा करना होगा। उसका बेटा जिंदा हो गया, हरिचंद तारामती यहाँ से स्वर्ग को चला गया, यही सत्य है और बाकी सब गलत है। अभी मैं फिलहाल काशी में हूँ और काशी में बोर्ड ले लिया हूँ। ये बोर्ड वाले हैं तुम्हारे काशी नगरी का एक जो महत्व है बहुत ही सुंदर है और प्यारा है। और यहाँ पे पाप से लेके साफ तक के यहाँ पे एक समान हो जाते हैं। बस मैं कहना चाहूंगा काशी नगरी में